आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम टीट स्टेनोसिस का एक और यूनिक केस लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का जो टीट स्टेनोसिस है, जो नॉर्मल टीट स्टेनोसिस होते हैं, उस टाइप का नहीं है। अभी तक मैंने आपको ये बताया था, टीट स्टेनोसिस की जो एनाटॉमी मैंने बताया था, उसके काज बताए थे कि कौन कौन से कारण ऐसे होते हैं जिस वजह से हमारा जो एनिमल होता है उसमें टीट स्टेनोसिस की कंडीशंस डेवलप हो जाती है। इसके पहले हमारे जो टीट स्टेनोसिस वाला वीडियो था उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कंडीशंस ज़्यादातर चोट की वजह से डेवलप होती है, और कुछ एनिमल्स में जब ड्राई पीरियड में एनिमल जाता है उस समय जो उसके अडर में मिल्क पड़ा रहता है उसमें जो मिनरल्स रहते हैं वो, और साथ में जो और सारे सेल्स के डेब्रीज मिल जाते हैं, ये सब मिल करके एक सॉलिड मटेरियल बना लेते हैं, और जो टीट कैनाल्स में जो हमारा स्ट्रीक कैनाल स्पेशली होता है उसमें जाकर के कहीं ना कहीं ब्लॉकेज डेवलप करते हैं। ये मैंने विशेष कारण आपको बताया था, और एक जगह मैंने और बताया था कि जो फैट सेल्स होते हैं उनका एक्युमुलेशन हो जाता है कैल्शियम के साथ, तो ये भी एक फेबुलाई का फॉर्मेशन करते हैं और जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो इन सब केस को आप कैसे हैंडल करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पुराने टीट स्टेनोसिस के जो भी वीडियो हैं आप उनको प्रॉपरली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा केस है टीट स्टेनोसिस का, वो उस जैसा केस नहीं है। इस केस में जो हमारे एनिमल्स के अडर में जो टीट कैनाल है, जिसको हम स्ट्रीक कैनाल के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली जो टीट ओरिफिस के जॉइंट पे जहाँ जुड़ा रहता है वो वहाँ से डिटैच हो गया था, और डिटैच होने के बाद वो स्ट्रीक कैनाल लगभग 1.5 इंच ऊपर जा करके वो जॉइंट हो गया था। अब ऐसी परिस्थिति में इस एनिमल्स का जो अडर था वो पूरा मिल्क से भरा रहता था, लेकिन चूंकि स्ट्रीक कैनाल्स जब यहाँ से डिटैच हुआ तो उसका जो ओपनिंग थी वो ऑलरेडी क्लोज हो गई। अब क्लोज होने की वजह से ऊपर का जो मिल्क है वो नीचे नहीं आ पा रहा था, जिस वजह से इस एनिमल्स में मिल्क बाहर नहीं आ रहा था। ऐसे केस सामान्य तौर पे आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, ये दो कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। पहला कंडीशंस अगर उस एनिमल्स के अडर में एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है तब आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा कंडीशंस अगर आप हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा, अगर इससे पहले अगर उसको जो मेस्टाइटिस हुआ है बहुत ही सीवियर टाइप का हुआ है तो उस परिस्थिति में भी आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं मेन चीज़ है, अगर इस तरीके का केस मिलता है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ऐसे केस को हैंडल करने से पहले जो हमारा पशुपालक है उसको अच्छे से समझा दीजिए कि इसको ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। पशुपालक को प्रॉपरली कन्विंस करने के बाद उस एनिमल का प्रॉपर आप सर्जरी कीजिए। सर्जरी में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर से सही से पल्पेट करके जो हमारा स्ट्रीक कैनाल स्ट्रीट ओरिफिस से डिटैच हुआ है वो किस लोकेशन पे जाकर के फिक्स हुआ है उसको बाहर से आपको पल्पेट करना है। पल्पेट करने के बाद टीट कैनाल का जहाँ माउथ है उसको आप ऊपर से पहले फिक्स कर ले अपने फिंगर से, और फिंगर से फिक्स करने के बाद जो हमारा टीट कटर है उसको टीट ओरिफिस की रास्ते से आपको उस स्ट्रीक कैनाल के माउथ के अंदर डालना है, और वहाँ पे आपको एक स्पेस बनाना है ताकि उस रास्ते से मिल्क बाहर आ सके। इस केस को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए इसमें 3 टाइप के टीट कटर होते हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद ये ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मल सिर्फ सिंगल जो टीट कटर होता है अगर हम सिर्फ उसका उपयोग करेंगे तो 2 दिन के बाद ये दोबारा से बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर इस टाइप का जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है जब हम जाकर के पल्पेट करते हैं तभी हमको पता चलता है, तो नॉर्मल जो टीट स्टेनोसिस का जो हम मैनेज करते हैं या नॉर्मल टीट स्टेनोसिस का जो केस हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से डायरेक्ट इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।